पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सनातन धर्म को समाप्त करने वाले उदयनिधि स्टालिन के बयान पर पलटवार करते हुए हिंदू विचारक पवन जैन ने स्टालिन को गिरवी रखी मानसिकता वाला बताया है। पवन जैन डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर हमलावर होते हुए बोले कि जैसे जैसे हमारे देश की ख्याति बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत बड़ी शक्तियां हमारे देश की ख्याति को गिराने के लिए प्रयास कर रही है। देश में एक नैरेटिव चल रहा है, बहुसंख्यक हिंदू को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। स्टालिन जैसे लोग इस नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। देश की अस्मिता के प्रतीकों पर बहुत बड़ी शक्तियां कुठाराघात करने में लगी हैं। पवन जैन ने कहा कि स्टालिन फिल्म इंडस्ट्री से हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नैरेटिव के तहत ही काम होता है। डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने एक बयान दिया कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की मच्छर की तरह है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये जैसे जैसे हमारे देश की ख्याति बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत बड़ी शक्तियां हमारी देश की ख्याति को गिराने के लिए प्रयासरत हैं। देश में एक नैरेटिव चल रहा है, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और स्टालिन जैसे ये मोहरे हैं जो इस नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। भारत की संस्कृति, हमारे देश के जो हमारे अस्मिता के चिन्ह हैं, गंगा मैया, गौ माता, जो जो हमारे एक प्रतिष्ठा और हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं, उन पर एक बहुत बड़ी शक्तियां कुठाराघात करने में लगी हैं। उसी की एक कड़ी, एक मोहरा स्टालिन जैसा व्यक्ति है। फिल्म इंडस्ट्री से है, भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी लंबे समय से एक नैरेटिव लेकर के चलती रही है। आज हमारे पास एक सोशल मीडिया का, एक आम जनता के पास एक प्लेटफार्म है। कुछ समय पहले तक वह हमारे पास नहीं था। अगर हम पुरानी स्थिति में जाएंगे 10 साल 15 साल 20 साल पहले, लेकिन जब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री है तो फिल्म इंडस्ट्री में भी एक योजना के तरीके से, अगर आप पुरानी फिल्मों को देखेंगे तो बनिया हमेशा लालची, वैश्य वर्ग हमेशा लालची, धोखेबाज, फ्रॉड, इस प्रकार से दिखाया जाता रहा है। ब्राह्मण, पौंगा पंडित दिखाया जाता रहा है, कपटी और छलिया दिखाया जाता है। मुस्लिम समाज का एक इमाम, एक संत, वो ऐसा दिखाता है कि वह समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहा है। इसी प्रकार से ईसाई समाज के संतों को बड़ा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो यह नैरेटिव चल रहा है, उसी नैरेटिव का अंग जो है वो स्टालिन है और उसने इस प्रकार का बयान दिया। ये बयान कोई आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन पब्लिक के सामने इन की मानसिकता का विभत्स रूप सामने आ गया है। हम ऐसे हिंदू विरोधियों की कड़ी वर्तना करते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।